मुंबई के मलाड पश्चिम में मामलेदार वाड़ी नंबर 1 रोड पर सफाई अभियान के तहत रोडों पर भावे दोषी और 7 सफाई कर्मचारियों ने झाड़ू लगाया और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया गया। यह आयोजन गुजराती सेल भाजपा मलाड विधानसभा अध्यक्ष भावे जोशी द्वारा आयोजित किया गया था। भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग यहाँ इस मुहिम में जुड़े साथ मौजूद रही रूपा दोषी, और इस दौरान सबसे पहले सफाई कर्मचारियों को भावे दोषी ने मोती की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। प्रोजेक्ट तो कई दिनों से मन में खेल रहा था, लेकिन क्या था कि कुछ समय की मर्यादा और दूसरी भी प्रायोरिटी थी। जैसे अभियान हमने ले लिया था, उसके बाद हमने सोचा कि ये स्वच्छ भारत का अभियान जो अपने माननीय पंत प्रधान मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, सपना है, उसको अपने को साकार करना चाहिए। हम लोग बहुत बार बारगाव जाते हैं, विदेश जाते हैं घूमने को, वो देखते हैं लंदन है, यूके, यूएसए, दुबई है, वहाँ पर इतनी स्वच्छता है। और हमने देखा है कि उसके जो विकास में उसके जो मतलब देश को विकास करने के लिए अधिकतर योगदान तो हम इंडियन का है, तो हमको ये मेंटालिटी अभी चेंज करनी पड़ेगी कि हम जब भी अपने विदेश से घर में आते हैं तो यहाँ पे ही कचरा कूड़ा फेंकते हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर हम लोग सब तरह से आगे हैं, सिर्फ अपन सफलता रखें तो एक दुनिया को अच्छा संदेश पहुँचे, और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी खुद झाड़ू लगा कर अपने को संदेश दे रहे, तो अपने को ये तो चीज़ आगे बढ़ानी चाहिए। तो जिस तरह से आज आप यहाँ पे स्वच्छता करा रहे हैं, लेकिन सफाई के अलावा अगर हम बात करें, कब तक आप सफाई करेंगे? क्या लोगों को आप मैसेज भी दे रहे हैं इसके साथ कि उन्हें खुद भी स्वच्छता का ध्यान देना होगा? जब तक वो खुद इस सफाई में अपना योगदान नहीं देंगे तब तक ये स्वच्छ नहीं होगा। देखिए, मेरा अनुभव रहा है, मैं जहाँ पे रहता हूँ वो परिसर में बहुत सारी गंदगी फैलती है, स्पेशली आम के सीजन में उनके छिलके और गुठले रोड रोड पे आते थे, करीबन 2 फुट जगह ही छूटती थी आने जाने के लिए, और इतनी बदबू फैलती थी। हमारा घर कितना भी बड़ा हो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी इंटीरियर किया हो, कितना भी खर्चा किया हो, लेकिन जब ये एक बाहर से मेहमान आता है तो उसके एंट्री पॉइंट से ही उनकी अपनी इज्जत वहाँ से ज़ीरो हो जाती है। तो ये चीज़ मैंने जब भी मेरे एक छोटे से एरिया में मैंने पहुँचाई, सबको समझाया, और BMC के अपने सहयोग से उसके ऊपर थोड़ा काम किया, फिर अभी स्वच्छता की आदत लग गई। तो 90% कचरा कूड़ा फेंकने का बंद कर दिया, जो जो 10% फेंकते थे उनको बाकी 90% वाले उनको रोकते थे, टोकते थे और उसको इंस्पायर करते थे। आज कभी भी आओ, मैं जो परिसर में रह रहा हूँ तो मेरे को नहीं लगता है कि वहाँ पे BMC के स्टाफ को भी रोज के रोज इतना परिश्रम करना पड़ता है सफाई के लिए, क्योंकि ये सफाई अभियान अभी एक आदत हो गई उन लोग को, तो ये आदत हो जाएगी तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई गंदगी करेगा। पीएम मोदी का जो ड्रीम है स्वच्छ भारत का, किस तरह से उनके पदाधिकारी और कार्यकर्ता आप किस तरह से जुड़ के लगता है कि आप इसमें योगदान को देते हो, उनके इस ड्रीम को पूरा करने का कार्य करेंगे? देखिए, अपने को प्रधानमंत्री आज जो ऐसे मिले जो महान दिव्य आत्मा है, तो मेरे को लगता है जिस तरह से आप देख रहे हो ये जो भीड़ जुटी हुई है, आज बारिश है फिर भी भीड़ जुटी हुई है, हमारे कार्यकर्ता है, हमारे सफाई कर्मचारी का भी 20-20 आदमियों का सहयोग है, तो कहीं ना कहीं तो आप मानते हो कि उनको प्रति जो आदर है वो आज आदर दिख रहा है आपको। तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये प्रोजेक्ट में आगामी मेरे मुझे लगता है 6-8 महीने में, देखो हमारा मलाड को हम पूरे बॉम्बे में एक मॉडल टाउन के हिसाब से प्रस्तापित करने में कामयाब होंगे, तो ही हम लोग क्लीन रख सकते हैं। एक्चुअल में इंडिया में कायदा ही लाना चाहिए कि किसी भी किसी ने भी कचरा डाला तो उसको फाइन करना ही है, तो अपने आप ही स्वच्छ रहेगा। जैसे आउट ऑफ इंडिया में वही है, कुछ भी दिया 1-2 दिन जेल में डाल दो या फिर फाइन करो तो ही क्लीन रहेगा। आपने सफाई कर्मचारियों का स्वागत भी किया है, तो आपके हमने कैसा है क्योंकि लोग सफाई कर्मचारियों की इतना सफाई देखते, लेकिन आज आपने उन्हें माला पहना के जो स्वागत किया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो करना ही है ना, इनका काम अपन कर नहीं सकते, जो काम कर रहे हैं वो बहुत आदरणीय है। मैं बोलता हूँ अगर स्वच्छता में लोग सुबह 4 बजे से उठ के अपने लिए स्वच्छता और स्वच्छता अपने को देते, स्वच्छता है तो स्वच्छता है,
जैसे कोरोना काल में भी आप देखो, हम मीडिया वाले थे, पुलिस वाले थे और बीएमसी कर्मचारी जो व्यवस्था बनाने वाले थे वही रोड पे थे, बाकी तो सब पब्लिक घर में बैठी थी। अगर ये लोग ने स्वच्छता नहीं रखी होती तो कोरोना नहीं और दूसरी महामारी भी फैल सकती थी। तो उनका अभिवादन कर रहे हैं। आज देखो जिस तरह से उमंग के साथ वो लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, तो ये कोई दूसरा कुछ उनका भाव नहीं है कि हमको क्या फ़ायदा होगा, आज एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो सराहनीय है, तो उनको सत्कार करना ही जरूरी है।